दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो आपको ग्राफ बताए हैं उतने ग्राफ होते हैं या नहीं, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आप ग्राफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी पुणे। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरे प्रोसेस में कि आपको हमने प्रॉमिस किया हुए नंबर के ही ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट हो। इसके लिए जो होल्स बनाए जाते हैं उस समय भी काउंटिंग होता है और हर एक ग्राफ्ट को हम डिजिटल माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, वहां भी काउंटिंग होती है। तो दोस्तों, जब हम प्रीमेड स्लिप्स लेते हैं तो एक बंदा बाजू में बैठ के मैंने कितने होल्स बनाए वो मैन्युअली काउंट करता है और उसके साथ एक काउंटर रहता है, उस पर भी वो काउंट करते रहता है। तो इस तरह हम प्रीमेड स्लिट्स बनाते वक्त वो स्लिट्स को काउंट करते हैं। यूजुअली हमने सपोज 3000 ग्राफ बोला है या 5000 ग्राफ बोला है, उसमें कम से कम 50 से लेके 100 स्लिट्स हम एक्स्ट्रा बनाते हैं ताकि अगर ग्राफ निकालते वक्त कुछ थोड़े बहुत ज्यादा ग्राफ निकलते हैं तो उनको लगाने के लिए स्लिट्स अवेलेबल होनी चाहिए। और दूसरी चीज, इसमें ह्यूमन एरर जो हो सकता है काउंटिंग का वो भी कॉम्पेंसेट होता है। सेकेंड चीज, हम हर एक ग्राफ को डिजिटल माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करते हैं, उनका सेपरेशन होता है, मीन्स सिंगल हेयर फॉलिकल अलग किए जाते हैं, टू हेयर फॉलिकल अलग किए जाते हैं, थ्री हेयर, फोर हेयर फॉलिकल अलग किए जाते हैं और उनका काउंट हम एक सॉफ्टवेयर है इसमें हम मेंटेन करते हैं। मीन्स अभी आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट को 2540 ग्राफ हमने निकाले हैं, इसमें 5080 हेयर्स है, इसमें सिंगल हेयर फॉलिकल्स मींस ग्राफ 675 हमने निकाले हैं, टू हेयर के 1205 ग्राफ्स हैं और इसमें 645 ग्राफ्स हमने निकाले हैं थर्ड थ्री हेयर के, और फोर्थ हेयर के हमको 15 ग्राफ मिले हैं। तो इस तरह से हम ग्राफ सेपरेशन करते हैं और उनको सेपरेट करते हैं। इसमें और एक चीज, ये फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो एक बहुत ही ब्लाइंड प्रोसेस है। ब्लाइंड मींस जब ये कैसा रहता है, अगर आप समझो ये स्किन है और ये हेयर शाफ्ट आपको ऊपर से दिख रहा है, हमें सिर्फ वो हेयर शाफ्ट दिखता है, ये नीचे का जो रूट है वो नहीं दिखता है। तो जब हम पंचिंग करते हैं, मींस पंच से ये ग्राफ के अराउंड ड्रिल करते हैं, तब अगर मैं इसको एंगल और डायरेक्शन को अलाइन होके 1 मिलीमीटर पंच के सेंटर में ग्राफ लेके हम उसको अगर ड्रिल कर रहे हैं तो ये ग्राफ इंटैक्ट बाहर आ जाएगा, इसमें रूट को कोई भी इंजरी नहीं होगी। लेकिन मेरा अगर एंगल डायरेक्शन फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर से भी चूक जाता है तो अंदर जाके रूट डैमेज कर सकता है। तो ऐसे रूट्स कितने डैमेज हो गए वो भी हम कैलकुलेट करते हैं, मींस 1.22% ग्राफ ये पेशेंट में डैमेज हो गए। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है एफयूए के लिए वो 5-10% पार्शियल ट्रांजेक्शन मींस अलाउ करते हैं, हम इससे कई कम ट्रांजेक्शन करते हैं और ये सब हम करते हैं, मींस ये चेकिंग एवरीथिंग ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए करते हैं कि हमने हमारे पेशेंट को 100% एफर्ट दिए है, इसमें पेशेंट का ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि हर एक बाल वो पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह हम ग्राफ्ट काउंटिंग रखते हैं। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, कई लोग बोलते हैं कि वो लोगों ने हमको बहुत ज्यादा ग्राफ्ट डालने का ये किया था, कमिटमेंट दिया था, लेकिन बहुत कम ग्राफ्ट डाले। मेरा मानना यह है, अगर मैंने ग्राफ का कमिटमेंट 3000 ग्राफ दिया है तो मैं
3000 ग्राफ्ट ही करूंगा, क्योंकि अगर मैंने कम ग्राफ्ट प्लान किए तो उसको प्रॉपर रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला। तो वो रिजल्ट, प्रॉपर रिजल्ट आने के लिए उतने ग्राफ्ट होने बहुत जरूरी है और मेरा पेशेंट सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये काउंटिंग को हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। तो दोस्तों, आपके और कोई क्वेश्चंस है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम, मैं और मेरी टीम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे।